दोस्तों ये है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक एडिशन E20 वाली बाइक। इस बाइक की लगभग ऑन रोड प्राइस है 2,55,000 रुपये के आसपास, मैं यहाँ पर लगभग आपको बता रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हंटर 350 और इसकी कीमत है लगभग 2,00,000 रुपये के आसपास, मतलब 1,98,000 या 1,99,000 ऐसे ही ये ऑन रोड प्राइस में पड़ती है। अब दोनों में 50,000 रुपये का अंतर है लेकिन इंजन सेम है। तो अब जैसे ये चीज़ तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, आज मैं चल रहा हूँ इसकी फिर से टेस्ट राइड करने के लिए हंटर 350 की, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई बाइक चलने में कैसी है। यहाँ पर खड़ी है हंटर 350, ये है टेस्ट राइड की। और अच्छी बात यह है कि ये कुछ चल चुकी है, देखिए यहाँ का कवर निकल भी गया है। ओडोमीटर में वाह भाई 11,000 चल चुकी है, थोड़ा सा हिल रहा है। आओ और राहुल हमारे साथ चलेंगे, बैठो। पेट्रोल भी लग रहा है ज़्यादा नहीं है। टर्निंग रेडियस सही है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हुई। देखिए जैसे टर्निंग रेडियस अगर आप कहीं मोड़ते हैं हवा कम लग रही है, हवा कम लग रही है, पूरा पहिया जाम सा लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिटिंग पोजीशन की बात करें तो सही है, और 800 mm सीट हाइट है, लेकिन भाई फिर भी मैं कम्फर्ट तरीके से बैठा हूँ, ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है। आवाज़ सुनिए, क्लासिक वाला फील नहीं आएगा इसमें साइलेंसर में, क्योंकि इसका साइलेंसर थोड़ा सा अलग है। तो भाई टेस्ट राइड में सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा मैं कि जैसे इसको बनाया किस लिए गया है। आखिर 50,000 रुपये का अंतर है, 177 किलोग्राम की बाइक है, मतलब लाइट वेट है, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो इसको क्या सोच कर बनाया गया है। तो यहाँ पर इसको ये सोच कर बनाया गया है, जैसे क्लासिक जो है वो बोल्ड लुक के साथ आती है और ये थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के साथ आती है, और इसको हल्का बनाया गया है, कम कीमत में बनाया गया है। तो उसके दो रीज़न हैं, एक वो कि जैसे जो लोग बहुत भारी होने के कारण रॉयल इनफील्ड की बाइक नहीं ले पाते हैं वो हल्की होने के कारण इसको ख़रीदें, और दूसरा यंगस्टर्स को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है, उनको थोड़ा सा स्पोर्टी फील आए। लेकिन मुझे कैसा फील आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं जो देख रहा हूँ इस बाइक में ये बिल्कुल एकदम सपाट है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा मीटर लगा है, लाइट एकदम नीचे लगी हुई है, तो यहाँ पर वो फील नहीं आ रहा है जो क्लासिक में आता है, जैसे शेर सा, जैसे कोई शेर हो एकदम अपने बाल फुला के बैठा हो, तो यहाँ पर वो चीज़ फील नहीं आ रही है। इंजन में फील आ रहा है, देखिए सत्ताईस न्यूटन मीटर की टॉर्क है भाई, और लगभग 20 bhp की पावर है इसमें। तो यहाँ पर तो ये एकदम टॉर्क के मामले में मज़ा ला देती है। और ये जो इसका ये फील सबसे ज़्यादा मज़ा दे रहा है, जैसे अगर मैं इसको स्लो करता हूँ तो 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क मात्र 4000 rpm पे जा रही है ना भाई, तो ये ऐसे उठाओगे ना, ये चीज़ मस्त आ रहा है। साइलेंसर चेंज करवाना पड़ेगा तब और ज़्यादा धक धक, जिसके लिए लोग पसंद करते हैं वो मिल जाएगा इसमें। थोड़ा भगा के देख लेता हूँ, पकड़ के बैठो राहुल। हम लोग दो सवारी से हैं भाई, पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा। पेट्रोल नहीं है भाई, लाइट जल गई, ज़्यादा दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पैदल आना पड़ेगा, क्या मतलब है। तो अब थोड़ा चलो इसको ख़राब रास्तों पर चलाकर देखते हैं कितना दम है हंटर में।
ब्रेकिंग सही है, फ्रंट सस्पेंशन सही है। तो ये लो क्या चलाऊंगा अब। सस्पेंशन सही है भाई। सस्पेंशन सही लग रहा है भाई, इसमें कोई शिकायत नहीं लग रही है मुझे। भाई सस्पेंशन सही लगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना चल जाएगा। जैसे 60-70 के बाद पैरों में हाथों में थोड़ी झंझनाहट होती है, अब रॉयल इनफील्ड की बाइक है इतना तो होगा ही, लेकिन पहले वाली जो इंजन आते थे उनसे कम है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे आप। इसका सस्पेंशन अचानक से खट नहीं करता है, वो ये चीज़ अच्छी है। कॉर्नरिंग उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, कॉर्नरिंग में आपको मज़ा नहीं आएगा। और इस 11,000 किलोमीटर चली हुई बाइक का अगर मैं आपको इंजन का रिव्यू दूं, तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे 11,000 चलने के बाद फ्रेशनेस महसूस नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है काफ़ी पुरानी चला रहा हूँ, या ऐसा लग रहा है जैसे सर्विस नहीं हुई है और इंजन में वो रिफाइनमेंट नहीं बची है। और जब मैं इस बाइक को खींच रहा हूँ ना, जैसे देखिए, तो ऐसा लगता है चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, तो वो स्मूथनेस नहीं है। नई बाइक अगर आप ख़रीदेंगे, टाइम से सर्विस करवाएंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सब हिल रहा है, लेकिन अगर पिकअप के मामले में देखा जाए, तो जो जिसके लिए ये बनाई गई है, सिटी राइड के लिए, क्रूज करने के लिए, और थोड़ा सा जैसे नेकेड बाइक है, तो वहाँ पर आपको फीलिंग अच्छी आएगी, पिकअप अच्छा मिलेगा। और लुक मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए चलाने में तो बुलेट की और रॉयल इनफील्ड की फीलिंग आएगी, लेकिन देखने में आपको फीलिंग उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं आएगी, ये साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ। जो लोग हल्की बाइक चाहते हैं, रॉयल इनफील्ड की बाइक कम कीमत में चाहते हैं, उनके लिए सही है, लेकिन जो क्लासिक को फील करना चाहते हैं, उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए सिर्फ क्लासिक ही है। तो भाई यहाँ खड़ी हैं बहुत सी क्लासिक, तो भाई ये रही हंटर 350, इसकी मैंने टेस्ट राइड कर ली। अगर मैं शॉर्ट में आपको इसका रिव्यू दूं कि मुझे कैसी लगी, तो भाई चलने में बुलेट की फीलिंग आती है, बट यहाँ से अगर कंपनी आगे से थोड़ा सा सुधार कर दे तो और ज़्यादा मज़ा आए। पिकअप आपको सही मिलता है, बट जैसे ये 11,000 चली हुई बाइक है, थोड़ा सा गंदी है, सर्विस नहीं होगी, तो इसलिए उतनी मुझे फ्रेशनेस महसूस नहीं हुई। टायर चौड़े हैं, टायर और ब्रेकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सस्पेंशन में भी आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, कॉर्नरिंग में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, सीट है, सीटिंग पोजीशन और सीट हाइट ये सही है, इसमें कोई शिकायत आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये था भाई इसका टेस्ट राइड रिव्यू। आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को
बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।